2012 रु 2021 9 वर्षर क्यारियर मध्ये 200 रु ऊर्ध अंतर्राष्ट्रीय मैच ता सहित दुई दुईटी ओलंपिक रे अंशग्रहण एमिति कि 2020 टोकियो ओलंपिक रो ब्रोंज पदक विजेता भारतीय दलर सदस्य वीरेंद्र लाक्रा आज गोटे शॉकिंग स्टेटमेंट जोटा कि शॉकिंग न्यूज समस्त को देखते फैन मान को देखते अंतर्राष्ट्रीय हॉकी रु से अवसर घोषणा करते तेज आम सहित से जोड़ी होती सह आलोचना करवा भाई प्रथम अर्गस को स्वागत करी 2020 जो टोकियो ओलंपिक रे ब्रोंज पदक विजेता भारतीय दल आप सदस्य थे दल को उपअधिनायक दायित्व देता हटात ये कमी कौन आनाउन्स कले ना यहाँ मोप खुशी कथा कि टोक्यो ओलंपिक रे वाइस कैप्टेन दिया पुणी टीम ब्रोंज मेडल नहीं कि आसला कितु जीवा आगु आमको ये एत मानने जीवा आगु मैंने गोटे माइंड सेट माइंड आगु सेट थिला कि जहा हो ये ओलंपिक पर रिटायरमेंट नेबा जो द्वारा कि यंगस्टर जे अच्छा तांको चांस मिले आग को खेलने 2012 आप डेब्यू करे एवं रिटायर्ड कर 2012 बेले आप जानते एकदा आम ओलंपिक क्वालिफायर खेलुले कि बर्तमान कह गले भारतीय टीम जो भाव ओलंपिक रे तार दम देखेला और बड़ बड़ देश को हरेला तेज कह कौन कौन सब स्ट्राटेजी चेंज है जहाँफल हकी डेवलप है देखूँ 2012 पुणी 2020 बहुत किसी चेंज होते भी फॉरेन कोच थे एवं भी अच्छा किंतु जो टेक्निक टेक्टिकली जो सब ये रही था से सब बहुत परिवर्तन जो द्वारा कि मैंने आज टीम 2012 जो थिला आज टीम आप देखिपे कौटि पहुँची सारी आग को जो सब आसूँ कॉमनवेल्थ कथा कह एशियन कथ सब बड़ गुरुत्वपूर्ण हूँ एशियन कप आप जानते जदि एशियन कप रे फाइनाल आम जितुना तेज ओलंपिक क्वालिफायर खेल पड़ो तेज से भारतीय दल के कम प्रस्तुत होते आप कौन ना निश्चय आप देखु यहाँ एशियन गेम्स आम बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं ना जदि आम एशियन गेम्स जितुचु फाइनाल तेल आम सीधा सड़क 2024 ओलंपिक आम क्वालिफाई कर पार जदि यहाँ मिस हो जाए आमको क्वालिफाई राउंड खेल पड़ो से भी आमको जाना नहीं कि कौ टीम आम सांगे भेट हे तो यही आम बहुत इम्पोर्टेंट आईया चाहिए कि जे नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्लेयर्स अच्छा कोर ग्रुप हे मुझे कह चाहिए मैंने यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट अच्छे आम ये एशियन गेम्स तो भल फोकस करूँ प्राक्टिस भल करूँ जो द्वारा आमको मेडल आसबू गोल्ड मेडल आम सीधा सड़क भाव 2024 क्वालिफाई कर गोटे कथ आग को जो जूनियर हॉकी विश्वकप आसूपी जो क्यांप चली बैंगलोर से सात जन आम ओडिया पिला अच्छा केमी कौन देखुं जहाँकि जितिय गणमाम चर्चा होता चारु पांच जन मैंने से दल सदस्य हो पारती कौल केमी देखुं आ छः जन रही आप सुंदरगढ़ जिलार निश्चय यहाँ गोटे आउ गोटे मानने खुशी कथ जमी आप जानते हैं 2023 पुरुष विश्वकप मानने सिनियर वर्ल्ड ये वर्ल्ड कप हो आगु जूनियर वर्ल्ड कप हो तो यहाँ आम ओडापे बहुत खुशी कथा कि आम एत बड़ इवेंट ऑर्गेनाइज करूचु तो निश्चय जिते बड़े ओडिशे हो तो आम ओडार छः सात जन पा अच्छा निश्चय से मैंने मनोबल भल थी कहीं ना टीम रे सिलेक्शन पाई निज घर पड़ा खेल मानने से गोटे मानने भिन्न प्रकार अनुभूति था सेटा मु जानी सारी तो निश्चय मु भावे कि से मनोबल नहीं कि प्राक्टिस करेंगे निश्चय से मैंने भल करेंगे और टीम आसिक निज घर पड़िया खेल हकी रु तो बहुत किसी खेला बाहर आम ओडिशा किंतु भित्तिभूमि टी अभाव रही है और भित्तिभूमि आहरी विकास रहा आवश्यकता विकास करार आवश्यकता रही है ना देखूँ 2014 पर आप देखुए धीरे धीरे केमती डेवलपमेंट होकी हॉकी कथा आप देखूँ 2014 पर आम चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज ओडिशा रे वर्ल्ड कप है ओलंपिक क्वालिफाई तो वर्तमान बहुत किसी सुविधा जगह दिया जाए आप जानते 17 एस्ट्रोटर्फ सीएम अनाउंस कर तो जो तांको सुविधा सुजोग दिया जाउछे ता उपरे जो यंग जनरेशन आछथि तांको 17 टी ब्लॉक रो कोनोसी ब्लॉक रे वर्तमान सुधा कहिनी छि स्टेडियम ना सेडा कंप्लीट हेनी किंतु आगामी दिन रे निश्चय सेडा कंप्लीट हेबो आ जते बेर कंप्लीट हेबो सेडा जो नुवा पिला आसीबे तांको उपरे डिपेंड करे से माने सेही जो सुविधा दिया जाउछ सेटा केमते यूटिलाइज करबे वर्तमान त अंतरराष्ट्रीय हॉकी रो अवसर नेले आगामी को प्लानिंग रहि छि वर्तमान किछि भाबे नै आगो को देखियो
ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି, ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ ସରିଲା ପରେ ସେ ଏଇଟା ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଚକିତ କରିବ, ଏହା ସହ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ହକିକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।